नमस्कार दोस्तों, पी एल टेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इस प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास से संबंधित। मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने किया है? आपको दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 अशोक। मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, तो ऑप्शन 4 यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सेकेंड, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? आपको बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता के लोग तांबे और कांस्य से परिचित थे। मोहनजोदड़ो से कांस्य की भैंसा और भेड़ा की मूर्तियां मिली, लोथल से तांबे की और कुत्ते की मूर्ति मिली, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बैरम खान। अकबर बैरम खान के संरक्षण में बड़ा हुआ। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 का विद्रोह है, इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीयों का विद्रोह था, ऑप्शन फर्स्ट राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड मंगलौर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दीन बंधु मित्रा, इसका राइट जवाब बनेगा, दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण नाटक लिखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1907 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई और इसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उराओन। ताना भगत उराओन अथवा उराओं जनजाति की एक शाखा है। जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में हुई थी और यह आंदोलन कृषि अर्थव्यवस्था जनजातीय संस्कृति तथा संरचित असमानता के साथ संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 9 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिसे सुदमापुरी के नाम से भी जाना जाता है शहर में हुआ था और यह शहर उस समय कठियावाड़ एजेंसी के अंतर्गत पोरबंदर के छोटे राजसी राज्य का भाग था। भारत में महात्मा गांधी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। उस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है और इस दिन को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है। वल्लभ भाई पटेल 13 अक्टूबर 1875 से 15 दिसंबर 1950 भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है भूगोल से संबंधित है, किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? तो राइट आंसर यहां पर बनेगा इस क्वेश्चन का सेकंड लाल सागर। लाल सागर में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है, इसमें 37 से 41% प्रति हजार लवणता पाई जाती है। इसका कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण होना है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई बड़ी नदियाँ भी नहीं है जो मीठा पानी
इन समुद्रों में गिरा दें। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि। इस बायोम में वर्ष भर सूर्यातप तथा सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, जिस कारण वनस्पति विकास न्यूनतम होता है। इस क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय प्रचलित है, पशुओं से मांस, दूध, ऊन, खाल प्राप्त होता है। यहाँ पर जंतुओं में रेंडियर तथा कैटबू सर्व प्रमुख हैं। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 13, भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अरावली। इसका सही जवाब बनेगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 14 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिंपली पल बायो रिजर्व स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उड़ीसा। सिंपली पल अभयारण्य यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1980 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। यह एक बाघ अभयारण्य है, इसमें बाघ के अतिरिक्त हाथी, चीता, चीतल, सांभर, जंगली कुत्ता जानवर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है, भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कच्चा पेट्रोलियम। भारत में कृष्ण क्रांति मुख्यतः अपरिष्कृत पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। यह 1970 के दौरान देश में अपरिष्कृत तेल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 16 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और दो युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तो राइट आंसर यहां पर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत थी 1961 से 1966 तक, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सेशन को आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। एक बार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, 1921 में। भारतीय इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921 को अस्तित्व में आया। वर्ष 1955 में इसे भारतीय स्टेट बैंक में तब्दील कर दिया गया। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। ऑप्शन फर्स्ट राइट जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संसद के अंग हैं इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा भारतीय संसद के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य विज्ञान से संबंधित 26 क्वेश्चन नंबर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर गाल्जी कॉय, सेकेंड है माइटोकांड्रिया, ऑप्शन थर्ड है राइबोसोम, फोर है अंत द्रवीय जालिका। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड, माइटोकांड्रिया। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, नेत्र श्लेष्मल। यहाँ पे राइट आंसर होगा कंजक्टाइवा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्टाइवा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 28 है, जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है तो समाधान
ठंडा हो जाता है, इस परिवर्तन को कहते हैं। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एंडोथर्मिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, थोरियम राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई से नापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोंट जन, यहाँ पे सही जवाब बनेगा। किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को रोंटगन इकाई से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन प्रारंभिक गणित से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 31, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि एवं उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, नए आयत के क्षेत्र में आपको बताना है क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के दो चर लंबाई और चौड़ाई हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव जो पड़ेगा, यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 परसेंटेज में आप यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पर पहले कहा गया है 10 माइनस 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई, इसके बाद 10% की कमी हो गई है, प्लस 10 × 10 अपॉन 100 हो जाएगा, परसेंटेज यहाँ पे आप रख देंगे तो यहाँ पे माइनस 1% यहाँ पे राइट आंसर आएगा। तो -1% आएगा, तो -1 आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे जो थर्ड है सही जवाब बनेगा, 1% की कमी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, दी गई 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 21 है एवं अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 21 है, यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 20 है तो चौथी संख्या है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकेंड राइट जवाब बनेगा 28, इसका सही जवाब आएगा, चौथी संख्या आपको बतानी है, तो यहाँ पर 28 इसका सही जवाब बनेगा। इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 21 × 4 प्लस 21 × 4 माइनस 20 × 7, इसे सॉल्व करेंगे तो 84 प्लस 84 माइनस 140, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 168 माइनस 140 बराबर हो जाएगा 28, जो कि विकल्प सेकेंड में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 33 है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए तो इसका यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा थर्ड आ जाएगा, यहाँ पर 3 सही 1/2 इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको 5 11/2 यहाँ पर हो जाएगा, 4 − 3/10 हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 ब्रैकेट में कितना 55 हो जाएगा, −6/20 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 × 49/20 इक्वल कितना हो जाएगा 49/4, 49 का वर्गमूल 7 आएगा और 4 का 2 आ जाएगा, तो 7/2 हो गया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 सही 2/1 आएगा, तो थर्ड विकल्प यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908, 1014 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। तो राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर जो होगा 106 आएगा, यहाँ पर 908 में से 590 आप घटा दीजिए और 1014 में से 908 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर जो है 106 आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड आएगा, 2 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन सामान्य हिंदी से है दोस्तों, 36 क्वेश्चन नंबर, सच शब्द का विलोम शब्द है, इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना, तो राइट आंसर हो जाएगा झूठ होता है, सच का विलोम झूठ होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 37 है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, तो दामिनी का पर्यायवाची बनेगा बिजली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो राइट आंसर क्या बनेगा सेकेंड, और निश्चय समयावधि में होने वाला आदेश, तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 39 है, विपद जाल में कौन सी संधि है आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि, विप प्लस जाल बराबर होता है विपद जाल, तो इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है,
निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में टूटी है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गुजर गई, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य अंग्रेजी से संबंधित, यहाँ पर डायरेक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर इसे आप पढ़ सकते हैं। दिस मैटर हैज बीन हैंगिंग, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, गोइंग ऑन स्लोली, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन idiom फ्रेज, तो 42 है यहाँ पर, एट वंस फिंगर टिप्स, तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शंस 43 से 45 है, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड गिव द आंसर टू द गिवन क्वेश्चंस, तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द ऑथर आर्ग्यू दैट, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एट मॉस लेवल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, द इंडस्ट्री नीड्स ए लिटरेट वर्क फोर्स बिकॉज, राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, इट्स ऑपरेशंस नीड इंट्रिकेट टेक्निकल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 45 है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशल ऑजिस्ट आर बेस्ड ऑन ए स्टडी ऑफ, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, द कोरिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इन ए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित, क्वेश्चन नंबर पहला है 46, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है, तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, एट इसका राइट जवाब बनेगा, ऐसे आठ टी हैं इसमें, तो राइट आंसर जो होगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और यह निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं, यह तर्क दिया गया है। नीचे फर्स्ट है, नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। सेकंड यहाँ पे दिया गया, नहीं, हालांकि लड़कियाँ बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन थर्ड, ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकेंड प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, चिकित्सक, रोगी और वकील, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, अभियोक्ता, सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी कोड भाषा में यदि बटर का कोड EXWWHU और मिल्क का कोड PLON होता है तो इस कोड भाषा में अर्थ को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, HDUWK के रूप में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा त्रिक 316 और 125 से अधिक साम्यता रखता है, तो राइट आंसर जो बनेगा सेकेंड हो जाएगा 5, 36, 343, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों, 51, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आम आदमी पार्टी। भारतीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में OBC का दर्जा दिया है, तो राइट आंसर जो बनेगा फर्स्ट, मध्य प्रदेश, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, तो राइट आंसर फोर हो जाएगा, सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 54, किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, केन्या, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अमेरिका,
वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 4 न्यूयॉर्क इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 1 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, आईसीसी के दो पूर्ण सदस्य देशों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली इतिहास की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा किम कॉटन, राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 डी गोकेस, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है? तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन है 61। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे यहाँ पे आपको फिल करना है मे पर पहना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सिर। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दिए गए ऑप्शंस में से दीघी बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 64, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 3 कपास, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हॉकी का। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन 1 पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, किशोर नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 69, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन 3 भवई, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से थर्ड हो जाएगा FATF। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, यहाँ पर नीचे निर्देश दिया गया है 71 से 75 तक, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। विज्ञान जहाँ एक अच्छा सेवक है, वहीं यदि उसका सही तरह से प्रयोग नहीं किया जाए तो यह एक बुरा मालिक है। इस स्पर्धा के युग में विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया है, अतः मनुष्य ने एटम बम बनाकर अपने ही विनाश को बुलावा दिया है। विज्ञान ने मनुष्य के श्रम को कम करके मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। आज मनुष्य विज्ञान का दास होकर रह गया है। आज विज्ञान के विनाशकारी आविष्कार विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। वैज्ञानिक उन्नति ने आज हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित कर दिया है। आज विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इन सब बातों के होते हुए भी हम विज्ञान की उपयोगिता को भुला नहीं सकते। विज्ञान के साथ बुद्धि और विवेक का विकास आवश्यक है। वैज्ञानिकों को मानव कल्याण करने वाले आविष्कार करने चाहिए। तो ये रहा गद्यांश, यहाँ पर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विज्ञान ने मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है, कैसे? तो मानव श्रम को कम करके, सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा मानव श्रम को कम करके। क्वेश्चन नंबर 73, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो विज्ञान अभिशाप या वरदान है, ऑप्शन 3 जवाब इसका बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 74, वैज्ञानिकों को कैसा आविष्कार करना चाहिए? तो मानव कल्याण करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, विज्ञान एक बुरा मालिक है का आशय क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निर्देश है 76 से 80 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर दूसरा गद्यांश दिया गया, इसे भी आप पढ़ लीजिए। हम परोपकार कई प्रकार से कर सकते हैं। हम धन के बल पर दूसरों का हित कर सकते हैं। भूखे को रोटी खिला सकते हैं। नंगे को तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं। अनपढ़ों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। जलापूर्ति के लिए कुएं खुदवा सकते हैं। धर्मशालाएं बनवा सकते हैं। गरीबी के उपचार के लिए औषधालय खुलवा सकते हैं। यदि हम प्रभु की कृपा से धन से वंचित हैं तो तन मन से भी दूसरों की भलाई कर सकते हैं। अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा दान है। इससे मानव अपने और परिवार के लिए कुछ सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा अर्जित धन से बच्चों का पेट पाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति द्वारा भी परोपकार किया जा सकता है। भूले भटकों को राह दिखला सकते हैं। प्यासे को पानी पिला सकते हैं और अबलाओं की रक्षा कर सकते हैं। तो ये रहा हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। दूसरों का हित, भूखे को रोटी खिला सकते हैं और नंगे को वस्त्र दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 77 है, सच्चा दान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षा का दान। सच्चा दान क्या है? शिक्षा का दान सच्चा दान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर 78 का 4 हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्यासे को पानी पिलाना, भूले भटकों को राह दिखाना, अबलाओं की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर अगला है 79, हम परोपकार निम्न में से कैसे कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 80 है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, परोपकार के प्रकार।